हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो शेयर जहां पर आज पूरी तेजी मंदी के सौदे साफ बनते हुए दिखाई दिए हैं। गेनर्स के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि स्क्रीन आज हरी है। डॉक्टर रेड्डी 4.5% ऊपर नंबर्स के बाद। अब देखिए, इसका एक रिपल इफेक्ट और उम्मीद जगी है सन फार्मा में, क्योंकि यूएस के बिजनेस में ही डॉक्टर रेड्डीज ने कमाल दिखाया है। अब सन जब नंबर्स पोस्ट करेगा आज शाम को, उसके पहले स्टॉक में तेजी। डीवीज लैब भी करीब 2.5% ऊपर है। आयुष मोटर में हम देख रहे हैं 3.25% का इजाफा। वोल्टा सर SRF, यहाँ पर और कुछ चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक्साइड में तेजी और वहां पर M&M फाइनेंशियल, डिस्पाइट द फैक्ट कि आगे का गाइडेंस इन्होंने घटाया है, नतीजे अच्छे रहे, स्टॉक चला है। L&T गाइडेंस भले ही इन्होंने कुछ बेहतर किया हो, लेकिन मार्जिन और बाकी नंबर्स उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। उससे पहले स्टॉक में प्री पोजिशनिंग थी तो आज कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। टाइटन के नतीजे आएंगे कल, 1.5% नीचे है काउंटर। टाटा कंज्यूमर अपने नतीजे अगले हफ्ते पेश करने वाला है, उससे पहले दबाव। और BPCL में भी आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली साफ बनती दिखाई दे रही है। एस्ट्रल के केस में 2.5% का नुकसान है। इंडस टावर, अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर्स है जहां पर 2% का दबाव। चोला फाइनेंस यहाँ पर पॉजिटिव टेरिटरी में है, मंदी वाला ट्रेड है नहीं ये। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। अब ऐसे में आपने क्या ट्रेड लेना है, हमारा